हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ स्टूडियो एसोसिएट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलीफ अंडर सेक्शन 89 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 89 की रिलीफ से हम कैसे टैक्स बचा सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन करें सभी नोटिफिकेशन के लिए। एक टैक्स पेयर को इनकम टैक्स में अधिक टैक्स लायबिलिटी को बचाने के लिए सेक्शन 89 में रिलीफ दी जाती है। सेक्शन 89 की रिलीफ तब दी जाती है जब किसी पर्सन को एडवांस सैलरी प्राप्त होती है, किसी भी पर्सन को पुराने वर्षों की सैलरी का एरियर मिलता है तो उसकी कुल इनकम बढ़ जाती है। इसके साथ ही स्लैब रेट में भी बदलाव हो जाता है जिसके कारण अधिक टैक्स देना पड़ता है। सेक्शन 89 की रिलीफ इसी बढ़े हुए टैक्स की हमें रिलीफ प्रदान करती है। यदि हम एरियर्स ऑफ सैलरी या एडवांस में सैलरी प्राप्त होती है तो फाइल की जाने वाली इनकम टैक्स रिटर्न में सेक्शन 89 की रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे रिलीफ अंडर सेक्शन 89 क्या होती है, कैसे प्राप्त होती है, रिलीफ की कैलकुलेशन क्या होती है और अन्य प्रोविजंस के बारे में जानेंगे। सैलरी पर टैक्स कब देना होता है? सेक्शन 89 की रिलीफ को समझने से पहले हम जानेंगे कि सैलरी पर इनकम टैक्स कब देना होता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार सैलरी ड्यू या प्राप्ति जो भी पहले हो टैक्सेबल होती है। जैसे मार्च 2019 में डे सैलरी अप्रैल 2019 में प्राप्त होती है तो ये फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में टैक्सेबल होगी, ना कि अप्रैल में प्राप्त होने के कारण फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में। जब एरियर्स ऑफ सैलरी प्राप्त होता है तो ये प्राप्त के वर्ष में टैक्सेबल होती है क्योंकि ये पहले के वर्षों से संबंधित होती है और उस समय इस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता जब ये ड्यू होता है। तो इसी तरह एडवांस सैलरी भी उस समय टैक्सेबल होगी जब ये प्राप्त की जाती है, ना कि उस समय जब ये ड्यू होती है। सेक्शन 89 की रिलीफ कैसे कैलकुलेट की जाती है? सेक्शन 89 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट की रिलीफ को निकालने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, जो कि है जिस वर्ष में एरियर्स ऑफ सैलरी प्राप्त होती है उस वर्ष में एरियर्स को शामिल करते हुए कुल इनकम पर टैक्स निकालें। एरियर्स ऑफ सैलरी जिस वर्ष में प्राप्त हुआ है तो उस वर्ष में एरियर्स को शामिल नहीं करते हुए टैक्स निकालें। स्टेप वन और स्टेप टू का डिफरेंस निकालें। जिस वर्ष से एरियर्स ऑफ सैलरी संबंधित है उस वर्ष में एरियर्स को शामिल करते हुए कुल इनकम पर टैक्स निकालें। एरियर्स ऑफ सैलरी और ऑफ सैलरी जिस पर जिस साल में उस साल में एरियर्स को शामिल नहीं करते हुए कुल इनकम टैक्स पर निकालें। स्टेप फोर और स्टेप फाइव का डिफरेंस निकालें। स्टेप थ्री में से स्टेप सिक्स का डिफरेंस निकालें। स्टेप थ्री का अमाउंट जितना अधिक आएगा उस अमाउंट की सेक्शन 89 में रिलीफ दी जाएगी, लेकिन स्टेप सिक्स का अमाउंट अधिक आता है तो कोई रिलीफ नहीं दी जाएगी। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपकी असेसमेंट ईयर 2019-20 में इनकम 10 लाख है और 1 लाख का आपको सैलरी का एरियर प्राप्त हुआ है। असेसमेंट ईयर 2018-19 में आपकी कुल इनकम 7 लाख है तो इस केस में सेक्शन 89 की रिलीफ की कैलकुलेशन क्या होगी? आप इस चार्ट में देख सकते हैं सेक्शन 89 की रिलीफ को। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लगाया गया है, जबकि असेसमेंट ईयर 2018-19 के लिए ये 3% लिया गया है। इस प्रकार इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि बिना सेक्शन 89 की रिलीफ को क्लेम किए असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए
टैक्स लायबिलिटी 1,48,200 आ रही है और सेक्शन 89 रिलीफ को क्लेम करने के बाद ये 1,37,600 आ रही है, यानी कि इस केस में आपको 10,600 की रिलीफ मिल रही है। सेक्शन 89 की रिलीफ को कैसे क्लेम करें? सेक्शन 89 की रिलीफ की कैलकुलेशन को क्लेम करने के बाद इसे आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना होता है। जबकि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें सेक्शन 89 की रिलीफ को क्लेम करने के लिए अलग से एक कॉलम होता है, उस कॉलम में सेक्शन 89 की रिलीफ का अमाउंट आपको डालना होता है। जब भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न में सेक्शन 89 की रिलीफ को क्लेम करते हैं तो आपको फॉर्म 10E फाइल करना भी ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं करने पर आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं की जाएगी। फॉर्म 10E को इनकम टैक्स ऑनलाइन पोर्टल पर फाइल किया जा सकता है। इनकम टैक्स ऑनलाइन पोर्टल पर जाने के बाद आपको लॉगिन करना होता है और इनकम टैक्स फॉर्म में जाकर फॉर्म 10E को सिलेक्ट करना होता है। फॉर्म 10E को सिलेक्ट करने के बाद उसमें आपको एरियाज ऑफ सैलरी और रिलीफ के अमाउंट को भरना होता है। जब भी आप सेक्शन 89 की रिलीफ को क्लेम करते हैं तो फॉर्म 10E को ज़रूर फाइल करें। क्या फॉर्म 10E फाइल नहीं करने पर इनकम टैक्स नोटिस मिल सकता है? फॉर्म 10E फाइल नहीं करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको टैक्स नोटिस जारी कर सकता है। इस नोटिस में आपको फॉर्म 10E को फाइल करने के लिए कहा जा सकता है। जब आप इस नोटिस के जवाब में फॉर्म 10E को फाइल नहीं करते हैं तब तक आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की हुई नहीं मानी जाएगी। इसलिए जब भी आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में सेक्शन 89 की रिलीफ को क्लेम करते हैं तो फॉर्म 10E को ज़रूर फाइल करें। सेक्शन 89 की रिलीफ के संबंध में हमारे इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। अगर आपको इसी तरह GST इनकम टैक्स से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे बिल्कुल इजी लैंग्वेज में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।